कांगड़ा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। इस तरह की ठगी का शिकार हुए लोग अब एसपी कार्यालय धर्मशाला के चक्कर काटने लगे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाकर जालसाजों से अपनी कमाई को वापस लाने की अपील कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से कई लोग एसपी कार्यालय में पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाकर शिकायत दर्ज करने की बार बार अपील कर रहे हैं कि कैसे उनके साथ पैसा दोगुना करने के लिए पहले उन्हें की जान पहचान के लोगों ने झांसे में लिया और उसके बाद फिर उन पैसों को अपने पास दबोच कर बैठ गए। पैसा क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट किया कि नहीं ये भी उन्हें जानकारी नहीं है, मगर अब जब वो अपना पैसा का मूल भी मांग रहे हैं तो वो अब देने से आनाकानी कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है जी? मैं आदर्श शर्मा, पालनपुर से हूँ मैं। क्या करते हैं? मेरा भी दुकान ही है। अच्छा, दुकान ही है जी। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? सर पहले तो मेरा 35,000 था, वही हमारे मिला भी इसका, लेकिन बाद में थोड़ा और कर कर करके 4 लाख भी इस टाइम है हमारा। जो मिला था वो पहली बार एक ही बार में मिला या नहीं? थोड़ा थोड़ा करके मिलता था, पूरा इकट्ठा नहीं मिला। इकट्ठा नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा करके मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा स्ट्राइक करा लिया हमारा। वैसे तो हमारा मतलब वो बोल रहे थे कि 15-20 लाख आपका बन गया है आपका, तो स्ट्राइक करा दिया 2 साल के लिए, लेकिन उसका अभी 2 साल से कुछ नहीं है। अभी 2 साल हो गए सर कम्प्लीट उसको। हाँ, कुछ नहीं है सर। क्या काम करते हैं? टेलरिंग का काम, टेलरिंग का काम करता हूँ पालमपुर में। अजय कुमार नाम। हाँ जी। आपने किसके कहने पे पैसा लगाया था और कितना लगाया था? अश्विनी शर्मा के नाम पे। के कहने पे? के कहने पे 40,000 रुपये दिए उनके। कब दिए थे आपने? 2 साल हो गए। क्या कहा था कितना आएगा? उन्होंने कहा डबल आएंगे, पर उसके बाद आया नहीं कुछ भी। आपको कुछ भी नहीं मिला? नहीं। तो कैश दिया था आपने या? हाँ, कैश ही दिया था। कैश ही दिया? कैश ही दिया। कहाँ देते थे कैश ये? वो आते थे दुकान में लेके जाते थे। अच्छा, लेके जाते। अब क्या आश्वासन मिला आपको? अभी देखते हैं, बोला मैडम ने तो हो गए कुछ ना कुछ। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हालांकि वो लोगों से बार बार यही अपील करते हैं कि वो इस तरह के ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्रॉड के बहकावे में ना आए, मगर लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। ये पिछले कुछ दिनों से हमारे पास 3 डिफरेंट कंप्लेंट्स जो है, 3 डिफरेंट ग्रुप्स द्वारा जो दी गई है, जिसमें एक जो क्रिप्टो करेंसी कह के जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स मार्केट में जो है फ्लोट किए गए, जिसमें कॉर्वियो, डिजिटी, हाइप नेक्स्ट, इस तरह की नाम से ये एक ऑनलाइन जो है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो हैं पब्लिक को ऑफर की गई हैं, और ये काफ़ी लंबे समय से जो है कांगड़ा ज़िला के क्षेत्रों में इस तरह की जो स्कीम्स हैं इनका प्रचलन था और इसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो उन्हीं द्वारा ये कंप्लेंट की जा रही है कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल था उसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट पे उनको फर्दर प्रॉफिट अमाउंट आना था वो, और जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी जो है कंपनी द्वारा, जो उनके एजेंट्स हैं उनके द्वारा जो उनको वापस नहीं किया जा रहा है, और उन्हें ये लगता है कि उनके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो किया गया है और उस पर वो कार्रवाई के लिए इस तरह की उनकी रिक्वेस्ट आई है। तो उस पर हमने 3 जो रिक्वेस्ट आई हैं उसको हम इंक्वायर कर रहे हैं, और क्योंकि ये मैटर जो है ये इन्वेस्टमेंट संबंधित है तो इसमें एक तो क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर इस कंट्री में नहीं है, और ये किस तरह से मार्केट में ऑपरेट कर रहे थे या किस तरह से इसमें मेंबर्स जोड़े जा रहे थे उस पर पुलिस हमने इंक्वायरी कर ली, और जिस तरह से भी इसमें आगे फर्दर क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ये एंगल इसमें है तो हम टर्म्स और कंडीशंस और जो भी इसमें फर्दर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर होगी उस पर एक बार गैदर करके उसे एनालाइज करके उसके बाद इस पर फर्दर लीगल प्रोसीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इसमें जैसे मैंने कहा 3 कंप्लेंट्स आई हैं, उन पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है तो उसमें पैसे का सर्कुलेशन किस तरह है, क्या वो वैलिड है, लीगल तरीके से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट लॉस है या इसमें कोई क्रिमिनल एंगल है, उस चीज़ को इंक्वायर करना ज़रूरी है, और एक बार ये इंक्वायरी जब कंप्लीट होगी उसके आगे फर्दर ही जो है इस पे लीगल प्रोसेस हम इनिशिएट करेंगे। बार बार पुलिस की ओर से भी बार बार लोगों को हिदायत दी जाती है फ्रॉड से बचने के लिए, तो क्या मैसेज है? मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ समय से जैसे कि आपके माध्यम से पब्लिक इन्फॉर्मेशन में आया होगा, कांगड़ा ज़िला में ही हमने करीब 4 डिफरेंट तरह के जो है ऑनलाइन फ्रॉड या इस तरह के केसेस जो हैं
रिसेंटली दर्ज भी किए हैं और उस पर अरेस्ट करके और कुछ लोगों को जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे यही कहना चाहूँगी कि शॉर्टकट या कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आपको शॉर्टकट तरीके से जो है पैसे को डबल करने का या उसको 100 times प्रॉफिट देने का जो स्कीम है वो डाउटफुल ऐसे विषय हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको इस तरह की चीज़ें ऑफर करता है या आपके बैंक अकाउंट संबंधित डिटेल जो है आपसे आपका ATM या अकाउंट से संबंधित कोई भी Gmail या अकाउंट से संबंधित मोबाइल नंबर उसको आपसे लेने का प्रयास करता है या ऐसा कुछ उसके लिए में पैसे देने की ऑफर करता है, वो सब जो है आजकल जो डिफरेंट ऑनलाइन माध्यम से फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं, साइबर क्राइम के केसेस हो रहे हैं, उसमें संलिप्त उनकी पाई जा रही है और ये हिमाचल में उसमें अनछुआ नहीं रह रहा है। तो आप सभी इस तरह के इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बचें, इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने से बचें ताकि जो है जो ये फ्रॉड्स हैं इनको जो है सहयोग करके जो इसको रोका जा सके और पुलिस जो इसमें जितने भी केसेस आ रहे हैं उन पर हम इंक्वायर करें, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक लालच की वजह से या अदरवाइज इन्फॉर्मेशन कैजुअली शेयर करने की वजह से जो है लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर संकट में वो रहते हैं।